मलाकी तीसरा अध्याय उसकी सातवीं आयत में लिखा है, तुम मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी ओर आऊंगा, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर हमारी ओर आए? सब चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी ओर आ जाऊंगा। आमेन। फिर जाओ, तुम मेरी ओर फिरो। संसार पूछता है हम किस बात में फिरें, संसार पूछता है परमेश्वर हम किस बात में फिरें, क्या हमने ऐसा किया है कि हमें फिरने की जरूरत है, क्या हमने गुनाह किया है कि हम तेरी ओर फिरें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, याकूब चौथा अध्याय उसकी आठवीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने पापों से मन फिराओ। पढ़िए जरा, कोई ऊंची आवाज में पढ़े, याकूब चौथा अध्याय उसकी आठवीं आयत। वो कहता, याकूब चौथा अध्याय उसकी आठवीं आयत में स्पष्ट लिखा है, तुम मेरे निकट आओ मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। परमेश्वर, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। ओ, मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलिए, क्या लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। पढ़िए आगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो। एक मिनट, यहाँ बाद में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी बातचीत में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण हमें लग रहा है परमेश्वर हमारे निकट आना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने हाथ दिखाया, मेरे निकट आना चाहिए। यदि परमेश्वर आपके निकट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे निकट आइए, क्यों, परमेश्वर मेरे निकट है। यदि आप कहते हैं परमेश्वर मेरे निकट आ जा, परमेश्वर कब निकट नहीं आता, जब हमारी कोई ऐसी बात परमेश्वर को पसंद ना हो जो हम गलत कर रहे हों। फिर संसार पूछता है कौन सी वो बात है, मुझे जरा बताइए तो सही, कौन सी ऐसी बात है जिसमें मैं फिर जाऊं, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण मुझे परमेश्वर को बोलने की जरूरत है, परमेश्वर आप मेरे निकट आइए। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, पहले तुम आओ मेरे निकट, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, यह सच है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, यह सच है, परंतु करीबियां तुम्हारी ओर से होनी चाहिए। आमेन। करीबी तुम्हारी ओर से होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वर्ग में हूं, तुम संसार में हो। परमेश्वर स्वर्ग में है और आप संसार में हैं, संसार पाप में है, आप पाप में हैं, इसलिए पाप से मन फिराओ। और पापियों क्या कहता, हे पापियों, आगे पढ़िए, अपने हाथ शुद्ध करो। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, ध्यान से सुनिएगा, हाथ शुद्ध कीजिए। सैकड़ों काम मनुष्य हाथ से करता है, कुछ ना कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण परमेश्वर कह रहा है, कौन कौन चाहता है मैं तुम्हारे निकट आऊं। हाँ, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट आए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के निकट आ जाइए। जैसे आप परमेश्वर के निकट आएंगे, संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर, संसार की जीविका के घमंड को छोड़कर, संसार के बड़प्पन को छोड़कर, संसार की उन चीज़ों को छोड़कर जो हमें पापी बनाती हैं, जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको और मुझे महसूस होगा परमेश्वर हमारे निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। सोचिए ऐसा क्या है जिसके कारण हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। दुचित्ते लोगों, दुचित्तापन, समझते हैं दुचित्तापन, ऐसे लोग हैं जो डबल लाइफ जीते हैं,
दुचित्ता जिंदगी, दुचित्ते जिंदगी जीते हैं, डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, संसार के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। जब आप संसार को भी खुश करते हैं, परमेश्वर को भी खुश करते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप डबल स्टैंडर्ड का जीवन जी रहे हैं तो आपके परमेश्वर निकट नहीं हो सकता। आपको सिंगल स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा, वो मसीह का स्टैंडर्ड है। परमेश्वर तुरंत आपके करीब आ जाएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मेरे निकट आओ। आप अपने बच्चों को बोलते हो, बेटा मेरे निकट आ, मेरे टच में रहा कर। जब तू मेरे टच में रहेगा तो ऑटोमेटिक मैं तेरे टच में रहूंगी। बेटा मेरे पास आ जा। आज मसीह यीशु मसीहों को कह रहा है, क्रिश्चियनिटी को कह रहा है, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। मेरे करीब आ जाओ, मैं भी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। दुचित्ता डबल स्टैंडर्ड मत जिए। मसीहों के बीच में मुखौटा नकाब डालकर मत चलिए, सही जिंदगी जिए। आपको मुखौटा पहनने की जरूरत ही ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या वाक्य में हम मसीही जीवन जीते हैं? यदि हाँ तो हर ब्लेसिंग आपकी है, यदि ना तो ब्लेसिंग्स कम हो जाएंगी, यदि हाँ तो अनंत जीवन आपका है, यदि हाँ स्वर्ग आपका है, यदि हाँ तो जीवन की पुस्तक में से आपके नाम को कोई काट नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। शेखा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलिए, मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर के निकट आऊंगा तो परमेश्वर मेरे निकट आ जाएगा। और जैसे ही परमेश्वर आपके निकट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही परमेश्वर आपके निकट आएगा क्या होगा? शैतान आपके आस पास भी मंडराएगा नहीं। हाँ या ना? जिस व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है वो सोचता, मुझे किसी की क्या जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको ऐसा सब कुछ आपके पास है और आपको लगता किसी की जरूरत नहीं है, तो आपको एक चीज की जरूरत है, वो क्या है? परमेश्वर के निकट आ जाओ। परमेश्वर के जैसे ही आप निकट आएंगे वो धन ब्लेस्ड हो जाएगा, वो भागेगा नहीं तो वो कभी भी जा सकता है। मैंने इन कानों से, इन 25 से 26 सालों के अंदर मैंने इन कानों से सुना है, बहुत से लोगों को ऊपर जाते हुए और उसको ऊपर से नीचे आते हुए सुना है, सर हमारे पास बहुत कुछ हुआ करता था लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास सब कुछ है उसका नाम परमेश्वर है, उसके पास कुछ भी कमी नहीं होती। वो भले ही झोपड़ी में रहे या फिर महल में रहे, चाहे वो लाजर जैसा हो गरीब, और चाहे फिर वो दाऊद जैसा हो अमीर, आमेन। वो कोई भी क्यों ना हो, वो कैसा भी क्यों ना हो, वो आनंद में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार का प्रचार करना है आपको। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो पता लग जाता है कि आप खुदा के निकट हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर हमारे निकट आता है, हम पहला काम क्या करेंगे? हम मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देंगे। हाँ या ना?
सोचिए, जब आपके पास फोन नहीं था तो आप लोगों को बताते फिरते थे मेरे पास तो यही है, ऐसा सा है। आपके पास एंड्रॉयड है? नहीं जी, आया फटी जी। लेकिन जिस दिन आपके पास बेस्ट वाला फोन आया उसके बारे में लोगों को बताना, कोई देखे ना देखे, देखो मेरा फोन, देख देखना, अगर कोई ना देखे चल जा छोड़, हाँ या ना। हमें अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति जो हमारी चीज को देख नहीं रहा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास मोबाइल फोन से भी बढ़कर वचन है। और जब आपके पास ये वचन आ गया है तो क्यों ना आओ हम इस वचन को शेयर करें, सुसमाचार सुनाएं। आज से कुछ साल पहले की बात है, एक रात एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बोला, वो व्यक्ति जो बैठा है उसको जाकर मेरे बारे में बता। परमेश्वर का दास खाना खा रहा था और जिसको वचन सुनाने के लिए बोला गया वो वेटर था। वो खाना खाता रहा और बार बार आवाज आती रही, इस व्यक्ति को वचन सुना, मेरे विषय में बता। किस किस को मालूम है, ऐसे ही परमेश्वर बोलता है, अंदर विचार देता है। किस किस को मालूम है इस बात का, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बोला जाकर इसको मेरे बारे में बता। उसने बोला परमेश्वर बता दूंगा, ये मेरे पड़ोस में तो रहता है, कभी भी बता दूंगा मैं। परमेश्वर ने बोला तेरी रोटी ज्यादा जरूरी नहीं है, तेरा लंच इतना जरूरी नहीं है, उसको वचन सुनाना जरूरी है, जा और जाकर उसको वचन सुना। उसने बोला परमेश्वर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे माफ करना, मैं उसको सुना नहीं सकता। सही मायने में क्या था, कभी का समय था वो वेटरों को ही प्रीच करता था, कभी का समय था वो स्लम एरिया के लोगों को प्रीच करता था, लेकिन अभी वो बड़ा आदमी हो गया था, इसलिए उसके दिमाग में एक चीज आ रही थी, क्या कि मैं एक वेटर को प्रचार कैसे करूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, वेटर के पास जाऊंगा प्रचार करूंगा, उसको जाके यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, वेटर कुछ भी सोच सकता है। उसको अपनी शर्म फील हो रही थी और उसने उस व्यक्ति को प्रचार नहीं किया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, करीब 2 से 2.5 घंटे के अंदर, जब वो होटल में रेस्ट कर रहा था, उसके पास एक न्यूज़ पहुंचती है। क्या पहुंचती है, कि सर जिस वेटर ने आपको खाना खिलाया है उसकी डेथ हो गई। माय गॉड, वो बचक्का रह गया। उसने बोला कहाँ कहाँ डेथ हुई है, उन्होंने बोला उस जगह पर, और वो फटाफट दौड़ा और दौड़कर उस जगह पर पहुंचा जहां पर उस व्यक्ति की डेथ हुई थी, और उसके पास गया और उसके पास जाकर उसको पंपिंग करने लगा और उसको बोलने लगा, एक मिनट के लिए मेरी आवाज़ को सुन ध्यान से, यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है, वही जिंदा खुदा है, उसको बोलने लगा भाई एक बार। और वहां पर पुलिस आती है और पुलिस आकर उस व्यक्ति को रोकती है, ये आप क्या कर रहे हैं, और वो बोलता चुप रहिए एक मिनट मुझे इसको बताने दीजिए। उसको वो बताने लगा, हेलो सुन मेरी आवाज को ध्यान से, सुन मेरी आवाज को ध्यान से, मरने से पहले तुझे सुनना होगा, यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन अफसोस वो व्यक्ति मर चुका था और पुलिस ने आकर उसको पकड़ा और उसको बोला ये तू क्या कर रहा है। उसने बोला मुझे मसीह ने बोला था कि ये मर जाएगा, ये व्यक्ति को मेरे बारे में बता, इस व्यक्ति को जाकर मेरे बारे में सुसमाचार प्रचार कर। मैंने प्रचार नहीं किया लेकिन ये मरने से पहले अगर मेरी आवाज को सुन लेता है तो इसके प्राण का लेखा मैं नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस वो मर गया था। और जैसे वो व्यक्ति मरा उसके ऊपर से एक सामर्थ था जो उड़ गया, जो चला गया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैं उस जगह पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूं और मेरी सहायता कीजिए। और वो वहां पर पहुंचा, जैसे स्टेज पर खड़ा हुआ, आपको मालूम है उसकी मीटिंग में हजारों लोग आते थे, लाखों लोग आते थे, लेकिन उस दिन वहां पर गिनती के लोग थे, 400 500 700 के करीब लोग थे। वो रोया, परमेश्वर
क्या कारण है लोग नहीं आए, मैंने सुसमाचार प्रचार करना है। परमेश्वर ने बोला, बेटा अब तू फिर से उसी स्थान पर चला जाएगा जहां से तेरी शुरुआत हुई थी, वन मैन टू वन मैन प्रीच। अब तू ज्यादा लोगों में प्रीच नहीं कर पाएगा। उसने बोला, परमेश्वर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तूने अपने वरदान को खो दिया। ध्यान से सुनिएगा, आप और मुझे अपने वरदान को, हमारे पास अगर आंसू बहाकर प्रार्थना करने का वरदान है, अगर आप जब भी प्रार्थना करते हैं आपको आंसू आ जाते हैं, तो याद रखिएगा उन आंसुओं को बहने दीजिए, उस वरदान को बढ़ने दीजिए, कम मत होने दीजिए। आमीन। अगर आपको कहीं ना कहीं आवाज़ सुनाई देती है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो याद रखिएगा उस आवाज़ को गायब मत कीजिए, उस आवाज़ को बढ़ने दीजिए। आमीन। जब जैसे जैसे वो आवाज बढ़ेगी, मसीह का राज्य बढ़ेगा, मसीह की आत्माएं बढ़ेगी।